आज ही के दिन 1611 में मुगल शासक जहांगीर ने महरुन्निसा उर्फ नूर जहां से निकाह किया। 1886 में आज ही के दिन क्रांतिकारी वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस का जन्म हुआ। रास बिहारी बोस भारत के क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत की आज़ादी के लिए गदर षड्यंत्र एवं आज़ाद हिंद फौज के संगठन का कार्य किया। 1831 में आज ही के दिन प्रसिद्ध उर्दू शायर दाग दहलवी का जन्म हुआ। दाग दहलवी का असली नाम नवाब मिर्जा खान था। आज ही के दिन 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत के लिए लाखों डॉलर की राशि की घोषणा की। 1963 में आज ही के दिन अफ्रीकी इतिहास में पहली बार 32 अफ्रीकी देशों ने एक संगठन बनाया जिसका मकसद था अफ्रीकी देशों को एकजुट करना। आज ही के दिन 1970 में बोइंग कंप्यूटर सर्विस की स्थापना हुई। 1985 में आज ही के दिन बांग्लादेश में आए तूफान में 10,000 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन 1989 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के कार्यकारी राष्ट्रपति चुने गए। 1991 में आज ही के दिन इजराइल ने 14,000 यहूदियों को इथोपिया से निकाला। आज ही के दिन 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डिकोड करने में सफलता मिली। 2003 में आज ही के दिन चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस खिताब जीता। आज ही के दिन 2005 में भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता निर्माता व निर्देशक सुनील दत्त का निधन हुआ। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। वर्ष 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। भारत सरकार ने वर्ष 1968 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त वे बम्बई के शेरिफ भी चुने गए। और आज ही के दिन 2008 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भेजा गया एक रोबो मंगल ग्रह पर पहुंचा था।